हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गांव से। एक्चुअली आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, मतलब अभी तो मैं गांव में हूँ बट आज मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। एंड कल मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट है बेंगलोर की। अभी बेंगलोर में किस लिए जा रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे तो एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत मुझे काम है और तो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है 6 बजे की, तो इतना जल्दी वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। तो मेरा फ्रेंड है दीपू, वो दिल्ली रहता है, तो आज दोपहर को मैं निकल जाऊँगा तो शाम को उसके घर पर पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से मॉर्निंग में हमको फ्लाइट पकड़नी है सीधी बेंगलोर की। तो बेंगलोर में ये नहीं कि एक दो दिन के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है 1 महीने के लिए भी जाऊँ और हो सकता है 6 महीने बाद ही वापस आऊँ। तो पूरा फुल पैकिंग के साथ जा रहा हूँ। तो देखते हैं, आज घर वाले भी बाय बाय बोलने वाला है, मतलब घर वालों से फाइनली। क्योंकि पहले क्या था, अलीगढ़ रहता था तो एक दो महीने में राउंड लगते रहते थे, बट अब लग रहा है अब तो 6 मंथ में या बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा आने जाने में, अब इतनी जल्दी आ नहीं पाऊँगा वहाँ से। तो पहले यहाँ से बाय बाय बोलते हैं, फिर अलीगढ़ जाएंगे, वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं उनसे बाय बाय बोलते हैं, उनसे मिलेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो अभी तो मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ, रेडी होते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस प्रॉपरली हो चुके हैं रेडी एंड पैक दिख रहे हो, और वहाँ पर देखो मेरी मम्मी और अम्मा बैठी हुई हैं, पापा वगैरह सारे लोग आ रहे हैं। तो गाइस अभी मैं रूम से, मतलब अलीगढ़ रूम पे आ गया था, तो रूम से भी निकल रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते। मैं तो रह गई, नमस्ते, चलो बाय बाय। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे और यहाँ से अब ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली के लिए। तो मनीष अभी आ रहा है थोड़ी देर में, तो फिर वो आता है उसके बाद निकलेंगे। और फाइनली हमें ट्रेन मिल चुकी है, यहाँ पे बैठ के जाएंगे। और ये देखिए, जब आप जनरल के डिब्बा में बैठते हो ना, तो ये यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से पूरा जनरल का डिब्बा भर के जाता है। और यहाँ पर टिकट चेक कर रहा है सब लोगों ने, इसलिए मैं भी लेके आ गया था। मैंने उससे बोला था पानी बोतल ले आइयो, लेट हो गया, कॉलेज से आ रहा है। स्पीड पकड़, ट्रेन भी तो स्पीड पकड़ गई ना फिर उस वजह से। थैंक यू। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी दिल्ली पर उतरे हैं। ये हमारी ट्रेन थी और ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। तो अभी यहाँ पर बस 2 मिनट हुई है, अभी यहाँ पर उतरा हूँ और अब थोड़ी देर के अंदर यहाँ से दीपू आने वाला है, तो उसके साथ उसके घर पे हम जाने वाले हैं। और यहाँ से करेंगे अब हम इधर से, सॉरी, यहाँ से मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आगे मेट्रो स्टेशन पे चेकिंग चल रही है, तो आपको यहाँ अपना सामान चेक कराना होता है, इसलिए अभी चेकिंग के लिए यहाँ पे हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा नंबर आते आते। फाइनली हमारे दीपू बॉस मिल चुके हैं, काफ़ी मशक्कत के बाद मिले हैं, ढूंढते भाई इन्हें प्लेटफॉर्म तक तो मिल नहीं रहा, ये दिल्ली में रहते हैं। और यहाँ पर हमारे दीपू बॉस टिकट में बार्गेनिंग कर रहे हैं टिकट लेने में, सॉरी टिकट नहीं टोकन, टिकट नहीं चलती, टोकन चलता है। फाइनली हम ट्रेन, सॉरी मेट्रो से बाहर आ चुके हैं। ये ट्रेन मुझे याद इसलिए आ रही क्योंकि ट्रेन से आया ना, ट्रेन दिखाई दे रही है अभी। यहाँ पर हम BMW वाला रिक्शा रिक्शा। और ये जो वो दिल्ली का कचरा, दिल्ली के कचरे का पहाड़, भाई पूरा पहाड़ है ये। और अभी कुछ ठंडा पी रहे हैं हम, ताले सर ना पहले सामने वाले थे भाई, तू पी ले ले। अच्छा भाई पता है, चेस ब्रो चेस, तगड़ा मत मार दे, पूरी हाथ में आ जाए। अब गाइस ब्लॉग व्लॉग बनाएंगे बाद में, पहले खा पी ले। तो गाइस अभी हम ई रिक्शा से बाहर आ चुके हैं, बोला तो सीख ही गया आखिर, मैंने भूल लिया। और अभी हम दिल्ली की गलियों में विद दीपू ब्रो। तो गाइस फाइनली मैं दीपू घर पे आ चुका हूँ एंड अब
आज की ब्लॉग का यानी कि आज के डे का यहीं पे एंड होता है। अब हम आपसे मिलेंगे कल मॉर्निंग में, तो कल मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है, तो कल मॉर्निंग में आपको मिलेंगे। बाकी आज की ब्लॉग का तो यहीं पे अब हम एंड करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 3 एंड अभी मतलब मैं तो सो के उठा हूँ और ये भी सो रहा है, तो दीपू भी उठने वाला है, तो जस्ट अब हम थोड़ी देर में उठेंगे और नहा धो के फ्रेश होते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट नॉर्मली 25 किलोमीटर है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। और देख रहे हैं या तो हमें कैब बुक करनी पड़ेगी, तो कैब बुक करते हैं और कैब से निकलेंगे और आधा एक घंटा लग जाएगा, तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि वैसे भी मेरा फर्स्ट टाइम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे सारी चीज़ें पता है मुझे, बट फिर भी थोड़ा जल्दी जाना ही बेटर होगा। तो बस अब नहाते हैं धोते हैं और फिर रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस हो चुके हैं रेडी जाने के लिए और बाहर अपनी गाड़ी भी आ चुकी है जिससे हम एयरपोर्ट तक जाएंगे, तो चलते हैं थोड़ा बाहर। और ये हमारी गाड़ी आ चुकी बाहर, तो इससे हमें जाना है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हम लोग आ चुके हैं और सुबह के बज चुके हैं 5, यानी कि 50 मिनट पहले हम लोग आ गए थे। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट गेट नंबर 3 टर्मिनल 2। तो अब चेकिंग वेकिंग करा के अंदर एंट्री करते हैं। तो गाइस अभी अंदर चेकिंग कराने के लिए मैं रेडी हूँ, अंदर चेकिंग कराने जा रहा हूँ। बाकी बाय बाय भाई, भी एक जा रहा बहुत दूर, ठीक है छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब छोड़ गया सीधा। 6 महीने बाद मिलेंगे, मिलेंगे अब अंदर एंट्री करते हैं और चलते हैं। अभी मेरी फ्लाइट हो गई है मिस, तो मैं जाने वाला हूँ 8:30 बजे अब नेक्स्ट फ्लाइट से, जो वाराणसी में रुकेगी फिर वहाँ से बैंगलोर जाएगी। फ्लाइट मिस हो चुकी है और अभी हम एयरपोर्ट पर कॉफ़ी पी के वेट कर रहे हैं 8:30 बजे की फ़्लाइट का। सोचा जब तक फ्लाइट का वेट होता तब तक कॉफ़ी पी ली जाए, तो कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद 8:30 बजे फ्लाइट जब निकलेंगे। अब चलते हैं अपनी चेकिंग कराने के लिए, लास्ट टाइम यार फ्लाइट छूट गई, नुकसान हो गया 2000 रुपये का। अब यहाँ से हमको वहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद थोड़ी देर के यार अभी 6:30 बजे और 8:30 की है, तो थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं। और अभी यहाँ पर चल रहे वेट इधर पीछे, तो अभी चेकिंग का टाइम स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर चेकिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो अभी अंदर चलते हैं और एंट्री करते हैं। गेट में एंट्री करने वाले हैं अंदर, अभी हम फ्लाइट में एंट्री करने वाले हैं। और अभी कुछ देर के अंदर हमारी फ्लाइट उठने वाली है एंड देखते हैं इधर वाली सीट पर अगर कोई आता है तो, बराबर वाली तो अंकल जी आ गए, बाकी इधर वाली को चेकअप करते हैं, अगर कोई आता है तो ठीक, वरना मैं बैठ जाऊँगा। देखते हैं अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। फाइनली हमको विंडो सीट मिल गई, अंकल जी ने एक्सचेंज कर ली उधर से, तो उन्होंने विंडो सीट दे दी, अब मैं अच्छे से वीडियो कैप्चर कर पाऊँगा, यहाँ से अच्छे अच्छे शॉट ले पाऊँगा, तो विंडो सीट मिल चुकी है अंकल जी की वजह से। अब देखते हैं जैसे फ्लाइट उड़ती है तगड़े तगड़े शॉट लेते हैं। वाराणसी पर लैंडिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पर लैंडिंग हो चुकी है, अभी हमको बस बाहर निकलना है। तो गाइस फ्लाइट से तो आ चुके हैं बाहर, ये थी हमारी पीछे फ्लाइट, आप देख सकते हो इसमें, और जब ऊपर गई थी तब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा था, डर सा लगा था, और जब नीचे आई तब थोड़ा सा लगा था, बाकी कुछ नहीं लगा, बाकी सब अच्छा था, बाकी सब ठीक था। अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा बैंगलोर के लिए, तो वो टाइम वगैरह मैं भी चेक करता हूँ क्या होता है, कितने टाइम है, कितने टाइम की चेकआउटिंग वगैरह सारी चीज़ें वो भी चेकआउट करूँगा। तो अभी अंदर एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। और ये है आपका वाराणसी का एयरपोर्ट, ये वाराणसी एयरपोर्ट है देख सकते हो आप।
अभी बज चुके हैं 10, तो मेरी जो अब नेक्स्ट फ्लाइट है वो 11:25 की, या वाराणसी से बैंगलोर, तो आधा घंटा चिल मारते हैं बैठ के, फिर निकलेंगे। बेटा चिल नहीं मारनी वैसे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अभी दिल्ली से आ रहे हैं तो वहाँ पर लेट हो गए तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी करने पड़े। मैं सबको सजेशन दे रहा हूँ, जो भी लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी फ़्लाइट का जो टाइमिंग है उससे कम से कम 1 घंटे पहले जाओ, जब आप दिल्ली वगैरह या किसी मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उन पर तो आप कम से कम 1 घंटे पहले जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो उसकी वजह से नंबर नहीं आ पाता और फिर आप लेट हो जाते हो, और फ्लाइट मिस हुई तो 2000 की चपेट लगेगी जैसे मुझे लगी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपको, और ये देखिए वाराणसी में सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं साड़ियाँ, और साड़ियों के साथ कपड़े बहुत सारे लगे हुए हैं इधर भी। तो ये हमारी फ्लाइट है गो फर्स्ट, और यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर, बीच बीच में थोड़ी शक्ल दिखाना भी जरूरी है। और इस बार तो मुझे विंडो सीट मिल गई, अभी हम वाराणसी से बेंगलोर के लिए रेडी हैं जाने के लिए, तो इस बार मेरे को विंडो सीट मिल गई। तो मतलब अब तो कह रहे थे ना मन भी नहीं है, पहले मैं लास्ट टाइम मैंने शूट कर लिया करना था, ठीक है। और अब हम आपको मिलेंगे अब सीधा बेंगलोर। तो गाइस अभी मैंने मंगाई है भेल, इट्स भेल पूड़ी, इसमें तो भेल आई है, इसमें चटनी आई है, अब इसमें भेल डालनी है फिर इसमें चटनी डालनी है, तब मिक्स करके खानी है, देख रहे हो। और ये 150 रुपये की है, साले हम 10-10 रुपये की भेल पूड़ी खाते थे गाँव में। तो अभी मैंने ये भेल पूड़ी टेस्ट की जो 150 रुपये की थी, लेकिन इसमें चिरवा में कह रहा हूँ 10 रुपये की भी नहीं होंगी, लेकिन टेस्ट अच्छा था, ठीक है यार जो भी है। अब हमारी लैंडिंग होने वाली है बेंगलोर के अंदर, और लैंडिंग सक्सेसफुली हो चुकी है, और अभी हम फ्लाइट से बाहर आ चुके हैं, वो हमारी फ्लाइट थी, एंड अभी अंदर यहाँ एंटर हो चुके हैं, तो यहाँ से हम एयरपोर्ट पे जाएंगे। बाहर ये है बेंगलोर एयरपोर्ट, एंड अब यहाँ से मेरे को कैब बुक करनी है और फिर चलते हैं घर। ये आपका बेंगलोर एयरपोर्ट, और सबसे ख़ास बात यहाँ बेंगलुरु का जो मौसम है भाई, इस टाइम मतलब बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, और ये पूरा एयरपोर्ट है बेंगलोर का। बस अब मुझे कैब करनी है, सीधा घर निकलना है। और ये कुछ भाई बेंगलोर का मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, एंड आ गया बस स्टैंड, तो मुझे यहाँ से बस पकड़नी है और फिर चलना है घर। पहले मैं सोच रहा था कैब बुक करूँ, बट कैब नहीं कर रहा भाई, बहुत महंगी हो रही है, इसलिए सोच रहा हूँ बस से जाऊँगा, बस बुक करूँगा, सॉरी बुक करूँगा कि बस से जाऊँगा।